उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मगरमच्छ को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधा, कंधों पर उठाकर फॉरेस्ट चौकी पर ले गए। उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक सैलाब का कहर, आगरा में हाईवे बना तालाब, राजस्थान पश्चिम बंगाल के कई शहर बने दरिया, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। बारिश के बाद काशी की ड्रोन तस्वीरें सामने आई है, काशी के घाट और नदियों का जलस्तर कम हुआ है। जापान में लगातार बारिश की वजह से बिगड़े हालात, याइजू में तेज बारिश की वजह से आई बाढ़, सड़कें पानी से लबालब। जापान के हिरात्सुका में भी आई बाढ़, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सऊदी अरब में भारी बारिश की वजह से मची तबाही, अल मदीना में भारी बारिश की वजह से आई भीषण बाढ़। मिर्जापुर में उफनती लहरों के बीच बच्चों का जानलेवा स्टंट, छलांग लगाते नजर आए बच्चे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के झांसी में जमीन बंटवारे को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा एक युवक, कड़ी मशक्कत के बाद युवक को उतारा गया नीचे। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज, कोलकाता में बंगाल डॉक्टरों का प्रदर्शन, दिल्ली में कानून मंत्री से मिले बंगाल राज्यपाल, करीब एक घंटे तक चली मुलाकात। डॉक्टर से बर्बरता केस में कोलकाता पुलिस पर बड़ी साजिश का हुआ शक, क्राइम सीन की आई तस्वीरें भी सामने, सबूत मिटाने पर लगातार बन रहे हैं सवाल, फिंगर एक्सपर्ट बनाकर पेश किए गए अविक डे पर आईएमए ने उठाए सवाल। कोलकाता केस के आरोपी संजय रॉय के वकील का दावा, मामले में कुछ छिपा रहा है संजय रॉय, पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी ने कहा था जब सेमिनार हॉल गया तो वहां पर पहले से थी ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी। बांग्लादेश में नहीं रुक रहे हिंदुओं पर हमले, ठाकुरगांव जिले में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में लगाई आग, मंदिर में तोड़फोड़ के बाद हिंदुओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट आ जाने की उम्मीद, रविंद्र रैना की उम्मीदवारी की भी की जाएगी घोषणा। झारखंड में जल्द कई जेएमएम और कांग्रेस के विधायक थामेंगे बीजेपी का दामन, रिपब्लिक भारत से बातचीत में लोबिन हाब्रम का बड़ा दावा, बोले झारखंड में खिसकने वाली है जेएमएम की सियासी जमीन। झारखंड में उत्पाद से अपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में 10 अभ्यर्थियों की मौत का दावा, मामले पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा युवाओं की जान लेने में लगे हैं सीएम सोरेन। बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार ने ट्वीट कर ममता सरकार पर साधा निशाना, लिखा क्या ये पश्चिम बंगाल है या मिनी पाकिस्तान। जोधपुर में नाबालिग के साथ हुए अत्याचार पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा नाबालिग के साथ हो रहे अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने प्रशासन से लगातार इसके लिए बात की है, इस तरह की हालात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, प्रशासन को तुरंत इस बात पर कॉग्निजेंस लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। उधर हरियाणा में मतदान की तारीख बदल दी गई है, अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग, 8 अक्टूबर को आएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है, बीजेपी पहले ही हरियाणा में हार मान चुकी है। पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा, उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया। उधर जेजेपी और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चुनाव की तारीख बदलने पर बीजेपी पर लगाया आरोप और कहा कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उसका स्वागत है। बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है और तारीख बदलने से क्या होगा, जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है, आरक्षण को शेड्यूल लाइन में डालने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा कि बिहार में पहली बार जातिगत जनगणना कराई गई लेकिन केंद्र ने इसे शेड्यूल लाइन नहीं डाला। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमले की कोशिश, मोहम्मद सैफी नाम का युवक गिरफ्तार, गिरिराज बोले उसके पास पिस्टल होती तो हत्या कर देता, इन हमलों से डरने वाला नहीं। हरियाणा में बीफ खाने के शक में मजदूर की पीट पीट कर हत्या, पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 7 लोगों को धर दबोचा। गौरक्षक दल के सदस्यों ने 2 प्रवासी युवकों की डंडों से की थी पिटाई, पिटाई में एक युवक की मौत हो गई थी, दूसरा गंभीर रूप से घायल।
गोरक्षक दल के सदस्यों ने झुग्गियों में गौ मांस को लेकर किया था जोरदार हंगामा। एसपी ने पूरे मामले को लेकर पीड़ितों से की पूछताछ। डीएसपी भारत भूषण ने पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि प्रतिबंधित मांस का सैंपल लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को बुलाकर प्रतिबंधित मांस का सैंपल लिया और सैंपल लेकर हमने वहां भेज दिया है इसको लैब में। दो लोगों को वो प्रतिबंधित मांस के शक में उठाकर ले गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मॉब लिंचिंग जैसी किसी भी घटना से किया इनकार और कहा कि गोरक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया गया है और इस पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। उत्तर प्रदेश के बागपत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार के शत्रु संपत्ति की नीलामी शुरू। इस संपत्ति की नीलामी ऑनलाइन होगी और 5 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। एमपी के छिंदवाड़ा में हुआ हादसा, 12 साल के बच्चे के हाथ में फटा मोबाइल, चोटिल हुआ बच्चा, इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। पठानकोट में 7 साल के बच्चे के किडनैपिंग का मामला सामने आया, फिरौती में मांगे 2 करोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट, किडनैपिंग का मास्टरमाइंड निकला हिमाचल का पूर्व बीएसएफ कांस्टेबल। बिहार के बक्सर में एक घर में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, मामले में पुलिस ने 7 लोगों को धर दबोचा। अवैध हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी की बरामद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में डिप्टी डायरेक्टर की तलाश जारी है। अधिकारी की तलाश में डिप्टी एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। गंगा नदी में डूबने के बाद लापता। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बुर्का पहनकर मुस्लिम लड़के से कोर्ट मैरिज करने पहुंची हिंदू लड़की, मौके पर स्थानीय लोगों ने जमकर किया बवाल। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में गौमांस के साथ 2 गौकश गिरफ्तार, कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गोकशी के एक आरोपी को कोर्ट ने 5 साल की सुनाई सजा, 3.5 लाख का लगाया जुर्माना भी। यूपी के एटा में एक महिला से जेवरात लेकर आरोपी महिलाएं हुई फरार, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने मामले की जांच में शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के झांसी में सूदखोरों से परेशान युवक ने डोंगरी बांध में कूदकर की खुदकुशी, आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर उसे वायरल भी किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 55 लाख की अफीम बरामद की है, एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को ग्रामीणों ने पीटा, प्रेमी को पेड़ के नीचे ग्रामीणों ने की जमकर धुनाई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नाबालिग छात्र के साथ उसके सीनियर लड़कों ने गलत काम किया, पीड़ित के परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों ने एक युवती को मारी गोली, युवती को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 शा